धर्मगुरु दलाई लामा ने जहां तिब्बतियों को अमन की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया तो वहीं दूसरी तरफ इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है तिब्बत के करमापा ने। आपको बता दें कि करमापा उगवेन त्रिनले दोजे 17 करमापा है और इनके जीवन में कुछ खास हुआ है और क्या कुछ खास हुआ है इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। छोटी उम्र में बने करमापा। 1981 में 16वें करमापा रंगजंग रिंगपे दोर्जे की मौत के बाद 17वें करमापा के तौर पर उगवेन त्रिनेल दोर्जे की नियुक्ति की गई। लिविंग बुद्धा यानी करमापा उगवेन न सिर्फ बौद्ध धर्म के 17वें करमापा हैं, बल्कि करमापा कग्यू बौद्ध पंथ के मुखिया भी हैं। 26 जून 1985 को तिब्बत के लोहटोक कस्बे में जन्मे उगवेन त्रिनेल दोर्जे ने छोटी उम्र में ही करमापा होने का दावा कर दिया था। इसके बाद पूर्व करमापा की भविष्यवाणी पत्र के मुताबिक करमापा के तौर पर उगवेन की पहचान ताई स्तूपा लामा ने की। करमापा की पहचान के बाद उगवेन को 7 साल की उम्र में तिब्बत के सुरपू मठ में करमापा की पारंपरिक गति पर बिठाया गया। भाग कर आए भारत। करमापा उगवेन त्रिनेल दोर्जे 5 जनवरी 2000 को छिपते छिपाते नेपाल के रास्ते भारत पहुँचे। करमापा के इस पलायन में सुरफू बौद्ध मठ से इनके 5 अनुयायी और उनकी बड़ी बहन नगदू पेलजोन ने उनका साथ दिया। करमापा के साथ इन लोगों ने भी भारत में शरण ली। 1988 में गर्मियों में 3 कथित चीनी घुसपैठियों ने मठ में उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद वे नेपाल के रास्ते भारत आए। करमापा लामा ने जिस वक्त भारत में शरण ली उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। विवादों से गहरा नाता। करमापा उगवेन त्रिनेल दोर्जे का विवादों से गहरा नाता रहा है। करमापा के तौर पर नियुक्ति से लेकर अब तक उगवेन कई विवादों में घिरे रहे। करमापा धर्मगुरु के तौर पर नियुक्ति के दौरान बौद्ध धर्म के कई अनुयायियों ने उगवेन को 17वें करमापा मानने से इनकार कर दिया था। विरोधियों का कहना था कि लासा में जन्मे त्रिनेल थाय दोर्जे 17वें करमापा हैं। इस विवाद के बाद कोंग्यू समर्थक 2 धड़ों में बट गए। कोंग्यू पंथ के इस बंटवारे को देखते हुए विवादों को खत्म करने के लिए उगवेन त्रिनेल दोर्जे और त्रिनेल थाय दोर्जे दोनों को ही 17वें करमापा के तौर पर नियुक्त किया गया। चीन की खामोशी। हालांकि चीन ने हमेशा से ये चाहा है कि करमापा के पद पर कोई चीनी ही नियुक्त किया जाए, ऐसे में उगवेन की इस नियुक्ति को चीन की ओर से बिना किसी रोक टोक से स्वीकार किए जाने की वजह से उगवेन संदेह के घेरे में रहे। भारत आज भी उगवेन को एक शरणार्थी ही मानता है। ऐसे में कहीं भी यात्रा करने से पहले करमापा उगवेन को भारत सरकार की इजाजत की जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं बोल फ्री के साथ। नमस्कार। Hello guys, I am Pasan Dolma and I am a Tibetan born in India. Tibetan refugee, I am a refugee born in India. And every year we go for protests, being a Tibetan. We have this responsibility to get back our freedom. Recently in China, in Tibet, our 9 monks, including one nun, they self-immolated themselves just to show the world how they are suffering from the brutal oppression of Chinese. And I am a Delhi University graduate student, and we go for protests, bugging our class. Not like Indian students, they regularly go for classes, and they know more than us. We have to bug our class to get back our freedom, and we feel really sad without having our own country. And for me personally, I have never been to Tibet. I really wish to go to Tibet, but without the Chinese operation on the earth. Bol free, bolne ki azadi. Aaj naam Jambe Dindo, is mandir ka pujari hai, ani is janda ka TV ka ani very very thank you, ani jai hind ani hamare Dalai Lama jinda ba. Bol free, bolne ki azadi. Mera naam Jigdal Thindri bolte hoon, main ek Tibetan refugee hoon.
मैं इंडिया में आके 19 इयर्स हो गया और मैं एक टिबेटन में जो पॉलिटिक्स के ऊपर राइटर का काम कर रहा हूँ। मैं दो बुक किताब लिख चुका हूँ, इसलिए मैं जो कहना है जो टिबेट की इश्यूज जो है, ये भारत का बॉर्डर इश्यूज और जो बर्मा पुत्रा का इश्यूज और इंटरनेट इंडियन सिक्योरिटी इश्यूज या एंड ऑल्सो जो टिबेट का चिंता जो है वो हिंदुस्तान का एक संस्कृत जो बुद्धिस्ट जो टिबेट में आया है वो भी हिंदुस्तान का ये है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो टिबेट जो लड़ाई हो रहा है ये सिर्फ टिबेट बजाने के लिए नहीं है, जो टिबेट का जितना लड़ाई किया और टिबेट का जो मतलब जो है सही तरह से इंटरनेशनल पे नहीं उठ सका है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बजाओ अपना देश, बजाओ टिबेट, एक दोनों मतलब से जय हिंद जय टिबेट। बोल की आजादी। मैं जनता, मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ पे तिब्बत कॉलोनी आता हूँ, काफ़ी टाइम से हो गए, मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ आते हुए और मुझे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है और मुझे यहाँ का स्पेशली मुझे यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों को देखते हुए जो हमारे देश ने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने रेफ्यूजीज उनको स्थान दिया है यहाँ पे रहने के लिए और मैं चाहता हूँ कि इनके राइट्स के लिए लोग आवाज़ उठाएँ और काफ़ी आगे तक जाएँ। मतलब जिस तरीके के इनके ह्यूमन राइट्स को दबाया जाता है वो मैं नहीं चाहता कि आज की डेट में कोई किसी के बारे में इतना कुछ बोले। तो मेरा ये मैसेज है कि तिब्बत को फ्री कराइए, उसके लिए फ्रीडम के लिए उसके लिए लड़िए। थैंक यू। बोल फ्री, बोलने की आजादी। हाय, आई एम जनता, माय नेम इज तेंजिन दारिन शालिंग, आई एम अ टिबेटन लिविंग इन एग्जाइल हियर इन इंडिया। ऑल आई वांट टू से इज I think we, the Tibetan people, are very thankful, or indeed very grateful to the Indian government and to the Indian people for hosting us for the last 52 years and for enabling us to preserve our culture and make a little Tibet here in India. So I'd like to thank the Indian government, the Indian people and everyone who's made India a safe haven for all of us here. So wish you all a very good luck and I hope India keeps rising and does indeed shine in the near future. Bol free, bolne ki azadi. I really want to say to Indian government to help us Tibet, because they know Tibet more than Chinese. Recently the Chinese government, they are trying to have trade relations with India and make some connection between India and China, but we feel India should be really careful about that. There must be some thinking beyond that Chinese government trading with India. So I want to say India to be really careful on that. Thank you. Bold speech, bold ki azadi. My name is Sirupa Sanjanangu and I'm from Ladakh, and it's a very beautiful place and it's been a very tourist place, so anybody can come and have a wonderful time at Ladakh. You are in.